फाइनली गाइस HDFC बैंक का डेबिट कार्ड मैंने अप्लाई किया था और दोस्तों मेरा यहाँ पे HDFC बैंक में अकाउंट है दोस्तों, मैंने अप्लाई किया दोस्तों, मैं यहाँ पे 7 डे में मुझे यहाँ पे डिलीवर कर दिया गया डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा से। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे डेबिट कार्ड में कितना लिमिट मिला है, क्या क्या आपको यानी पूरा ओपन करके दिखाने वाला हूँ यानी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहा और आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबा देना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग में आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बॉक्स को ओपन कर ले तो दोस्तों ये सील पैक अभी है और मैं आपको यहाँ पे यानी इसको मैं ओपन करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो भाई बने रहना भाई। फाइनली गाइस यहाँ पे मैं बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखो, चलो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों जैसे मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया। जैसे मैं अकाउंट ओपन कराया हूँ HDFC बैंक वेबसाइट पर जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं HDFC बैंक को ओपन कराया हूँ जो कि 5000 रुपए से अकाउंट खुलाया हूँ, ठीक है। और ये मैं बिहार के एड्रेस में अकाउंट खुलाया हूँ, ठीक है, बिहार में। तो अगर आपको भी HDFC बैंक में अकाउंट खोलाना है तो गाइज आप भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराया हूँ और देखते हैं कि क्या क्या मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है। मैं तो ATM कार्ड अप्लाई किया हूँ और यहाँ पे मैं फुल KYC भी करा लूँ, ठीक है। ऑनलाइन मैं यहाँ पे फुल KYC नहीं करा पाया था क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल KYC नहीं करा पाया था HDFC बैंक में। और यहाँ पे मैं ऑफलाइन जो भी मेरा ब्रांच विजिट था नज़दीकी ब्रांच HDFC बैंक में वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैं अकाउंट को यानी KYC फुल KYC करा लियो, ठीक है। जैसे कि मैं फुल KYC करा लियो तो गाइज मुझे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस द्वारा मुझे यहाँ पे ATM कार्ड भेज दिया गया। और देखते क्या क्या मुझे मिला, मैं बॉक्स को ओपन कर दिया हूँ और देखते बॉक्स में क्या क्या मिला। तो ये तो गाइज मुझे समझ नहीं, मैं तो भाई चेकबुक अप्लाई भी नहीं किया था लेकिन बट मुझे चेकबुक भी ये दे दिया, तो भाई थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, चेकबुक मुझे यहाँ पे मिल चुका है, जिसके नाम से खाता है उसका नाम आ चुका है, सभी एड्रेस आ जाएगा और HDFC बैंक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब चलो मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये आपका चेकबुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आपका चेकबुक है आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो चलो मेरा चेकबुक हो गया, चलो मैं चेकबुक को साइड करता हूँ, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज आप यहाँ चलो यहाँ पे आपको क्या क्या और मिलता है, तो ये है गाइज क्या क्या चीज़ है, ये है यूजर गाइड है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस टाइप से दिया गया, ठीक है, क्या क्या लिमिट गया है यहाँ पे सब, ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको भी साइड करता हूँ गाइज। और गाइज ये तो मुझे लग रहा है पासबुक मुझे मिल गया क्या, ओ माई गॉड, देखो ये पेजैप UPI पे बिल्स, और गाइज मुझे यहाँ पे पासबुक भी मिल चुका है, ठीक है। और देखो HDFC बैंक लिमिटेड थी आप दिया गया जो कि मुझे यहाँ पे पासबुक भी भेज दिया है। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक में अकाउंट खोलाना चाहते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे 5000 रुपये से, दोस्तों मेरा यह बिहार के एड्रेस पर है और यानी रूरल एरिया में, जो कि मुझे 5000 रुपये से अकाउंट में खुलाया हूँ। और भाई मुझे यहाँ पे चेकबुक भेज दिया है पोस्ट, यानी जो भी बैंक अकाउंट वाला जो भी अकाउंट खुलाया हूँ जहाँ पे नज़दीकी ऑनलाइन, दोस्तों यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन कराया हूँ HDFC बैंक में। और मुझे यहाँ पे क्या क्या मुझे भेज दिया है किट में, देखो एक तो मुझे यहाँ पे चेकबुक भेज दिया है बैंक वाले ने, उसके बाद यहाँ पे देखो पासबुक भी भेज दिया, तो बहुत अच्छा बात है, मुझे यहाँ पे पासबुक भेज दिया इस टाइप से, यहाँ पे देख सकते हो पासबुक। अगर आपको भी HDFC बैंक में अकाउंट खोलाना है तो गाइज 5000 रुपये से अकाउंट खुला सकते हैं, आप चेकआउट कर लेना कि 5000 रुपये से खुले कि 10000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 5000 रुपये से अकाउंट खुलाया हूँ, मैं यानी बिहार में एड्रेस खुलाया हूँ जो कि मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये पासबुक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे चेकबुक दे दिया बैंक वाले ने, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे चेकबुक इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, पासबुक देखो यहाँ पे चेकबुक ये है फर्स्ट वाला, पहले दिखा देता हूँ फिर से, देखो ये चेकबुक है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ चेकबुक को मैं साइड करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पे पासबुक लिखा है, पासबुक और ये मुझे पासबुक यानी दो दो मुझे मिल चुका है, पासबुक और ये चेकबुक मिल चुका है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे ATM कार्ड अप्लाई किया था, मुझे यहाँ पे चलो ATM कार्ड देखते क्या ATM कार्ड भी मुझे मिला। तो गाइस यहाँ देखो ATM कार्ड मैंने तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे ATM कार्ड अप्लाई किया था तो मुझे यहाँ पे ATM कार्ड भी मिल चुका है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो, चलो मैं इसको फाड़ लेता हूँ, फाड़ लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको ATM कार्ड देखने को मिल जाएगा HDFC बैंक का, और ये सिक्योर के लिए ये हाइड है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक का डेबिट कार्ड मुझे मिल चुका है, वीजा सिग्नेचर में जिसके नाम से खाता है उसका नाम आ चुका है, उसके बाद ये मिलिनिया डेबिट कार्ड है, ठीक है। चलो मैं इसको पलट करके दिखाता हूँ, नंबर भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चलो नंबर भी देख लो आप, चलो ठीक है, ये देख सकते हो HDFC बैंक का जो मुझे यहाँ पे नंबर भी मिला, CVV नंबर जो सब है। चलो और मैं इसको सभी को हाइड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा होता है फ्रॉड ना हो सके, ठीक है, मैं इस सबको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो में आपको यहाँ पे हाइड में शो करता होगा क्योंकि मैं आपको यहाँ, चलो मैं इसको साइड कर देता हूँ। और कितना कितना मुझे यहाँ पे लिमिट मिला है HDFC बैंक का डेबिट कार्ड जो मिलिनिया डेबिट कार्ड है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके नाम से वो सब आ जाएगा डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों पहले देखो मिलिनिया डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे दिया गया, ये सब आपको यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट और शुरुआती आपको 6 डिजिट का नंबर देखने को, और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखो डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिटेड आपको यहाँ पे 3.5 लाख रुपये है, डेली आप यहाँ पे डेली डोमेस्टिक शॉपिंग कर सकते हैं, डेली आपका 3.5 लाख रुपये का लिमिट है। और ATM कार्ड का जो लिमिट होता है यहाँ पे देखो 50000 रुपये लिमिट है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ देख दो 50,000 रुपये लिमिट है, कितना ये एटीएम कार्ड से है, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे देख दो, मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये लिमिट मिला जो कि मैं पर डे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ HDFC बैंक। और दोस्तों यहाँ पे मैं 5,000 रुपये से अकाउंट खुलाया हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे चेकबुक भी मुझे मिल जाएगा और मुझे पासबुक भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट मैंने यहाँ पे ATM कार्ड यहाँ पे अप्लाई किया था तो ATM कार्ड भी मुझे यहाँ पे दे दिया और पासबुक भी दे दिया और यहाँ पे चेकबुक भी दे दिया। तो आप यहाँ देखते चेकबुक मिल चुका है, यानी तीनों तीनों मुझे यहाँ पे मिल चुका है। और ये ऑनलाइन अकाउंट खुलाया हूँ, पहले बता देता हूँ भाई, ये ऑनलाइन अकाउंट खुलाया हूँ HDFC बैंक का, जो भी HDFC बैंक का, जो भी यहाँ पे, जो भी मेरा नजदीकी, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट था, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ HDFC बैंक में और मैं अपना अकाउंट ओपन करा लिया हूँ, ठीक है। अकाउंट ओपन करा लिया हूँ यानी ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराया हूँ। उसके बाद मैं यानी फुल KYC करा था, वीडियो KYC। तो गाइज ये हो रहा था कि फुल KYC में वहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए गाइज वहाँ पे यानी वो हो नहीं रहा था, ठीक है। KYC वीडियो KYC यानी फुल KYC, तो ऑनलाइन। तो मैंने नजदीकी, जो भी मेरा नजदीकी बैंक यानी HDFC बैंक का था बैंक, वहाँ पे गया और थंब लगा यानी फिंगरप्रिंट लगा कर मैं फुल KYC करा लिया हूँ। और एक सप्ताह के अंदर देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज भेज दिया, आपको बता दिया हूँ कि मुझे यहाँ पे पासबुक भेज दिया, पासबुक और चेकबुक मुझे यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो चेकबुक भेज दिया, ATM कार्ड भेज दिया, सभी सभी मुझे यहाँ पे चीज भेज दिया, मुझे यहाँ पे अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है इजीली आराम से। लेकिन एक बार आपको KYC कराना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन कराओ चाहे ऑफलाइन कराओ, ठीक है। तो सिंपल सी फंड, अगर आपको भी अकाउंट यानी खोलाना है HDFC बैंक में तो गाइज आप यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट खुला लो। मैं तो यहाँ पे 5,000 रुपये से अकाउंट खुला हूँ, यहाँ बिहार के एड्रेस में बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कहीं, अगर आप दिल्ली, अगर मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं, कोई हाई फाई सिटी में रहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10,000 रुपये से अकाउंट खुलाना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 से। तो आप ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। अकाउंट खुलाना तो पासबुक ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, आपको यहाँ पे नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।